मैंने अपनी स्टोरी पे ये वाली वीडियो लगाई थी और इस पे मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि भाई इसका ट्यूटोरियल बताएं कि इस तरह की वीडियो हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह की वीडियो क्रिएट करने के दो तरीके बताने वाला हूँ और एक तो इतना ईजी है कि कोई एक बच्चा भी इस तरह की वीडियो क्रिएट कर सकता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और सेव भी कर लेना ताकि आप भूल ना जाएं। तो नंबर वन, अगर आप टिकटॉक पे वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ आपको टेम्पलेट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस टेम्पलेट के ऑप्शन पे क्लिक करें, यूज टेम्पलेट पे क्लिक करें, यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड कर दें, टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहां से आप इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं। नंबर टू, अगर आप खुद से इस तरह की वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैपकट में चले जाएं, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, यहां पे आप अपनी इमेज अपलोड कर दें, इस इमेज पे क्लिक करें और यहां आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डुप्लीकेट का, यहां क्लिक करें। अब आपने फर्स्ट वाली इमेज पे क्लिक करना है और ये नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओवरले का, ओवरले पे क्लिक करें। अब इस ओवरले वाली इमेज का हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है, रिमूव बीजी पे क्लिक करें, ऑटो रिमूवल पे क्लिक करें, ये इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब हमने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख दें। अब आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है यहाँ से आप अपनी मर्जी से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ आपको बहुत से इफेक्ट मिल जाते हैं, जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे आप यहाँ से वो इफेक्ट लगा सकते हैं। एनिमेशन पे क्लिक करें, लूप पे क्लिक करें और यहाँ से हमने वेव 3 इस वाले एनिमेशन को सिलेक्ट करना है, यहां से आपने इसकी स्पीड को स्लो कर देना है। अब हमने इस टेक्स्ट को इस ओवरले वाली इमेज के बैकग्राउंड में लगाना है तो उसके लिए आपने इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहां आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लेयर्स का, यहां क्लिक करें, यहां से आप इस टेक्स्ट को इस इमेज के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं और ये आप चेक करें आपकी वीडियो तैयार। इस तरह आप बहुत ही इजिली इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाय।